मेट पांजरा जिला परिषद सर्कस से भारी बहुमतों से चुनके आने के बाद एनबीसीएन समक्ष सलील देशमुख इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए डालते एक नजर। मेट पांजरा सर्कस से जो भारी बहुमतों से चुन के आए थे सलील दादा देशमुख, इस समय हमारे साथ में आई, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर के जब चुन के आए तो उन्हें क्या लग रहा था, और चुन के आने के बाद वो ग्रामीण इलाकों के खासतौर पर जो नागरिक उनके लिए क्या काम करना चाहेंगे। सर, आप भारी बहुमतों से तो चुन के आए हो, आपके अगला जो कामकाज है वो किस प्रकार का होने वाला है नागरिकों के लिए? हिंदी में ना, मैं बहुत आभारी हूँ मेट पांजरा जिला परिषद सर्कल के नागरिकों का कि उनने मुझे ये संधि दी। बहुत साल से मैं युवा का पदाधिकारी था, अनेक वर्षों से समाज कार्य में था, और आप जैसे समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव गांव के कस्बे के यहाँ पे अलग अलग समस्या है, वो समस्या है सुधारना, गांव वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेनिफिट हो सके सरकार की तरफ से वो योजना उन तक के पहुंचाना, और अन्य जितने भी जो वायदे हमने सरकार उस मेट पांजरा पंचायत समिति के जिला परिषद सर्कल के लोगों से किया उसको पूर्णता करने में जुटेंगे। सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज है आपके लिए? चैलेंज ऐसा मैं किसको समझता नहीं हूँ, बस काम करते रहना, ये एक सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल, काम करने वालों के लिए हमेशा प्रकाश दिखता है, जो काम नहीं करते उन्हें अंधेरा दिखता है, मगर सलील देशमुख इनका ये मानना है कि कोई भी चैलेंज नहीं है और जनता के लिए पूरी तरह से काम करने वाले, ऐसा आश्वस्त होने आज के इस प्रोग्राम के जरिए क्यों ना हो, ये इन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, एनबीसी न्यूज नागपुर।